नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे चैनल एस्ट्रोटेक लैब में, जहां हम आपको बताते हैं स्पिरिचुअल डेटा साइंस, विभिन्न स्वास्थ्य और मनोविज्ञान से जुड़े रोचक उपयोगी बातें। आज का हमारा विषय है होलाष्टक। आप सभी को होली की बहुत शुभकामनाएं। हर वर्ष होली का त्योहार हम सभी बड़े आनंद के साथ मनाते हैं, लेकिन इस आनंद में भंग भी आ जाते हैं, जैसे किसी के घर में विवाद, रोग, बाधा आदि। इसकी तीव्रता होली के 8 दिन पहले से शुरू हो जाती है। ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे के ज्ञान और विज्ञान का क्या रहस्य छुपा है, इसका निवारण कैसे किया जाता है, कवच कैसे प्राप्त करते हैं, आइए जानते हैं ये रोचक दृश्य, अदृश्य रहस्य। किसे कहते हैं होलाष्टक? होलिका दहन के 8 दिन पहले से शुरू होता है होलाष्टक। होली का मुहूर्त तंत्र, मंत्र, यंत्र और ध्यान साधना सिद्धि हेतु अनादि काल से विशेष महत्व रखता है। अक्सर अनुभव में आता है कि इन दिनों में शारीरिक, मानसिक स्तर पर काफी हलचल पैदा होती है। मानसिक, आत्मिक स्तर निम्न होने पर यह पीड़ा अधिक अनुभव होती है। होलाष्टक से जुड़ी ज्योतिष की मान्यता। फाल्गुन पूर्णिमा पर होलिका दहन और अगले दिन रंगों की होली खेली जाएगी। इससे पहले 8 दिन से होलाष्टक शुरू हो जाते हैं। इन 8 दिनों में पूजा पाठ, मंत्र जप और ध्यान करने का विशेष महत्व है। भक्त प्रहलाद की कथा हम सभी ने सुनी है, परंतु इसका राज ईश्वरी संकेत को हमने अनदेखा किया। होलिका दहन से पहले 8 दिनों तक हिरण्यकश्यपु ने अपने पुत्र प्रहलाद को मारने के लिए कई यातनाएं दी थी, लेकिन प्रभु श्री हरि विष्णु नारायण की कृपा से प्रहलाद के प्राण हर बार बच जाते थे। जब राक्षस हिरण्यकश्यपु की सारी कोशिशें असफल हो गई, तब उसकी बहन होलिका ने प्रहलाद को लेकर आग में बैठने की योजना बनाई। होलिका को वरदान मिला हुआ था कि वह आग में नहीं जलेगी। प्रहलाद विष्णु जी का भक्त था, इसलिए हिरण्यकश्यपु अपने बहन राक्षसी होलिका की सहायता से विष्णु भक्त प्रहलाद को अग्नि में भस्म करना चाहा था। लेकिन जब होलिका भक्त प्रहलाद को लेकर अग्नि में बैठी हो हुआ उल्टा। अग्नि के वरदान प्राप्ति के बाद भी राक्षसी होलिका अग्नि में भस्म होने लगी और भक्त प्रहलाद अग्नि में विष्णु जी के नारायण स्वरूप में लीन हुए और अग्नि दाह से बच गए। आज भी देव, मनुष्य और राक्षस वृत्ति का ये संघर्ष शुरू ही है। प्रहलाद ने इन 8 दिनों में भयंकर यातनाएं झेली थी, जो राक्षस हिरण्यकश्यपु ने अपने ही पुत्र भक्त प्रहलाद को दी, क्योंकि वह श्री नारायण जी को परमात्मा मानता था और हिरण्यकश्यप खुद को अहम भाव से परमात्मा मानता था। हम सभी में मनुष्य, देव और राक्षस भाव विद्यमान होते हैं। हम जिसको पोषित करते हैं, वह भाव बलवान होकर मनुष्य से भाव स्वरूप कर्म करवाता है। भविष्य में इसी कर्म भाव के स्वरूप उसे फल प्राप्त होते हैं। बीच में फंसता है मनुष्य शरीर। अब यह उसी मनुष्य के संस्कारों पर निर्भय है कि वह किस तत्व को पकड़ता है। यह एक तप ही है। यदि कोई हिरण्यकश्यप के तत्व को धारण करेगा तो परिमाण आप सभी भली भांति जानते हैं, और प्रहलाद बनते हैं तो भी परिणाम जानते हैं, और नर से नारायण की यात्रा में सफल होते हैं तो भी परिमाण जानते हैं। जैसे कर्म वैसे फल प्राप्त होंगे। होली के पूर्व के इन 8 दिनों को ही होलाष्टक कहा जाता है, और इन दिनों में भक्ति करने का विशेष महत्व है। होलाष्टक के 8 दिनों में ग्रहों की स्थिति उग्र होती है। ग्रहों की स्थिति ठीक न होने से अधिकतर लोगों को इन दिनों में मानसिक तनाव का सामना करना पड़ता है। काम में मन नहीं लगता है, विचार नकारात्मक बने रहते हैं, और इनका प्रभाव भी मनुष्य पर पड़ता है। श्री हरि से कवच प्राप्त कैसे करें? ये समय सकारात्मक रहने का होता है। बुरी ऊर्जा को नष्ट कर अच्छी ऊर्जा को ग्रहण करने का यह अच्छा अवसर हमें प्रभु प्रदान करते हैं। इसीलिए अच्छी किताबें पढ़ें, सत्संग करें, साधु संतों के प्रवचन, मंत्र जप तप साधना के साथ ही ध्यान साधना भी करेंगे तो नकारात्मकता दूर हो सकती है, और शत्रु को परास्त कर श्री नारायण सुदर्शन कवच प्राप्त कर सकते हैं। इस समय आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र को संकल्प के साथ यथाशक्ति श्रद्धा भाव से जप करें। श्री हरि आपकी रक्षा उचित समय आने पर अवश्य करेंगे। हरि ओम तत्सत। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको इससे कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप हमारी अन्य वीडियो भी देख सकें।
धन्यवाद।